मैं बहुत परेशान हूँ, मैं आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जा रहा हूँ, आपके कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। अरे 1,00,000 रुपया देवर 3,000 महीना दे तो बताओ, 2,50,000। अनिल जी, क्या मामला है जो यहाँ शिकायत करने बैंक में आए हैं? पिताजी के खाते में पेंशन वाला पैसा था और रिटायर हुए थे जो ग्रेचुटी वगैरह, ऑनलाइन किसी ने जस्ट dial.com से शॉपिंग कर लिया 5,65,000 का। और एक दिन पहले जब 15 तारीख को आए पैसा निकालने के लिए, तो खाते में हमारे आगे के लोग निकाल रहे थे, तुमसे निकला, फिर हम निकाले तो हमारे से नहीं निकला, 20,000 निकालना था हमें, तो फिर हमारे पीछे वाले निकाले, उनसे भी निकले, फिर हमने 2,000 निकाला, तो 2,000 तो निकल गया। फिर हम देखे बैलेंस, उसमें कुछ था ही नहीं। फिर हम 16 तारीख को आए, पासबुक चढ़वाए, पासबुक चढ़वाने के बाद हमें पता चला उसमें 0 बैलेंस है। फिर पिताजी को ले के आए यहाँ पे, बैंक में कंप्लेन की है, तो बैंक में बोला है, बताएं कि जस्ट dial.com से 32 बार का किसी ने ट्रांजेक्शन कर लिया है ऑनलाइन शॉपिंग। तो कल जस्ट डायल से निकाला गया है कि किसी और? जस्ट डायल और पेटीएम से। तो कितना निकाला गया है? 5,00,000 लगभग, 5,65,000 के आसपास है, 32 दिन का ट्रांजेक्शन है। जी सर, एक सुरेश सिंह यहाँ आपके यहाँ उपभोक्ता हैं, उनके खाते से 5,65,000 रुपये के आसपास उनका निकाल लिया गया, जो जस्ट डायल और पेटीएम कंपनी से निकाले गए, तो क्या है मामला पूरा? उसमें एप्लीकेशन ब्रांच के द्वारा रिसीव कर लिया गया है और हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हुए इसको हम लोग सक्षम अधिकारी के पास मेल कर दिए हैं, ईमेल किया जा चुका है, और जो भी कार्रवाई होगा उसका जो भी तहकीकात किया जाएगा सक्षम अधिकारी के द्वारा, उसके तहत कार्रवाई किया जाएगा और जो लोग होंगे उनको दंडित किया जाएगा।